આમ ખબર આમાં તહીં પહોંચાઈ પ્યા મીરપુર માથેલેમાં જેથી પોલીસ જે ખાનગી ટાર્ચર સેલ જા ફૂટેજ આવાસ ટીવી કે મોસૂલ થી વ્યા આહિન ટાર્ચર સેલ મેં કેદ બિન નૌજવાનન જૂં દાહું કઈ વયું આહિન જડે ત ટાર્ચર સેલ મેં ટાઉન મુલાઝમ ખલીલ ભટ્ટી અને નદી મીરાણી કે કેદ કયો વ્યો આહે। हम आपके बताईंदा आलू मीरपुर माथले में पुलिस के खानगी टॉर्चर सेल जा फुटेजेस आवाज टीवी के मौसूल थी वया है। इन हवाले से गाल बोल कंदी एस एस पी उमर तुफेल असा लाइन से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो निजी टॉर्चर सेल का इंकशाफ हुआ है वहाँ दो बंदों को रखा गया है और उनको बड़ी बेरहमी से तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है, ठीक है। वहाँ पे आवाज़ टीवी के रिपोर्टर लतीफ़ वसीर पहुँच के उस वाकये को रिपोर्ट करना चाहा तो उसको भी पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, ये बात आपके इल्म में थी? जी बिल्कुल भी मेरे इल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था जो टॉर्चर सेल की बात है। हाँ जैसे ही वाकये का मुझे पता चला इमीडिएटली तो मैंने इस वाकये का नोटिस भी लिया। इससे पहले भी आपके चैनल के तवसत से मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बयान किया। तो मैं जी स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ जर्नलिस्ट के साथ किसी किस्म का कोई मिसबिहेव हो या उनके साथ उनके ऊपर तशद्दुद हो या अदरवाइज उनसे किसी किस्म की कोई हरासमेंट हो। तो मैंने इमीडिएटली यही किया, मैंने उन जो पुलिस ऑफिशल्स थे आफ्टर टेकिंग नोटिस मैंने उन पुलिस ऑफिशल्स को सस्पेंड किया, उनको मैंने क्लोज टू लाइंस किया एंड उसके बाद मैंने इनको जी क्वार्टर गार्ड भी किया। अब नेक्स्ट स्टेप आप जो बात कर रही हैं टॉर्चर सेल का, इट वाज नॉट इन माय नॉलेज। द मोमेंट इट केम इन टू माई नॉलेज मैंने उसके बाद उसके ऊपर जो इंक्वायरी हमारी बैठी हुई है ए एस पी साहब की सरबराई में, साथ में डी एस पी रामपी और एस एच ओ सरहद भी उनके साथ हैं और वो इसको बड़ा क्लोजली देखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 to 4 hours में वो भी हमारे पास आ जाएगी और आप देखेंगे कि उसमें भी हम इनके ऊपर एक्शन लेंगे और जिन लोगों के साथ अगर कहीं उनको इलीगली डिटेन किया हुआ था तो उनके को भी हम इंसाफ देंगे और जो भी पुलिस ऑफिशियल इन्वॉल्व होंगे उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज लीगल एक्शन दोनों लिए जाएंगे। अच्छा उमर तफेल साहब, आपने इन एहलकारों को क्वार्टर गार्ड तो किया है मगर साफियों के तशद्दुद में मुलवस एहलकारों को साफियों का मुतालबा है कि मुलवस एहलकारों के खिलाफ FIR होनी चाहिए, तो आप क्या उन पर FIR काट सकते हैं? जी अगर बिल्कुल उनके ऊपर FIR बनती हो तो हम वो भी काटेंगे। मैंने आपको यही कहा है ना कि मैं खुद कंडेम करता हूँ इसको। वी आर जस्ट वेटिंग कि हमको ये रूटीन इंक्वायरी नहीं है जिसको हम एक हफ्ते तक फाइनल करेंगे। मैंने आपको ये बताया इंशाल्लाह आज की डेट में ही ये इंक्वायरी फाइनल हो जाएगी और जो भी उस इंक्वायरी की रिकमेंडेशन होगी और दैट्स वाई इंक्वायरी जो मैंने दी है तो लीडरशिप है वो जहानदार अक्रम साहब हैं, ASP हैं, इज अ वेरी गुड ऑफिसर एंड प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर। अगर वो हमें रिकमेंड करेंगे और दूसरी बात ये कि जो हमारे साथी भाई हैं वो राइट नाउ भी मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं जो प्रेजिडेंट हैं मीरपुर माथेलो प्रेस क्लब के या बाकी लोग हैं और उनकी जो डिमांड होगी और जो उनकी लॉफुल डिमांड होगी हम बिल्कुल जी उसको फुलफिल करेंगे। बट वी ओनली नीड सम टाइम। इमीडिएट एक्शन जो मैं कर सकता था मैंने कर लिया, तो उसके बाद एक्शन होंगे और जो लॉ डिमांड करेगा मेरिट डिमांड करेगा अगर वो पुलिस ऑफिसर ने गलत हरकत की है तो उनके ऊपर बिल्कुल मैंने पहले कहा कि मैं लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लूंगा, उसमें दोनों कवर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इज जो हम इनको अपने मैक्सिमम में सजा देंगे और लीगल में अगर कोई लीगल रिपरकशन आएंगी उनके ऊपर जो कि इस चीज में अगर आएंगी और डिमांड होगी उनकी तो बिल्कुल हम वो भी करेंगे। बट मेरी ये रिक्वेस्ट है मैंने इससे पहले भी दो। अच्छा SSP साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो निजी टॉर्चर सेल है जो कि एक प्राइवेट जगह है, आपको ये तो पता नहीं था कि उनको वहां पे रखा गया है और टॉर्चर किया गया है, ये आपकी जिम्मेवारी है, आपको नहीं पता, मगर आपको ये पता है कि उनको वहां पे क्यों रखा गया है? अभी ये जो सारा मामला हुआ है उसके बाद आपके इलम में ये बात है कि उनको वहां पे क्यों रखा गया है? मैडम आपकी बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जिम्मेदारी है, लेकिन इससे मैं दोबारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोबारा क्लियर करूंगा। अगर मेरी नॉलेज में आया और उसके बाद वो चलता रहा तो आप ये कह सकती हैं कि ये जिम्मेदारी में बनता है। जब मोमेंट मुझे पता चला तो मैंने उनके ऊपर एक्शन भी लिया और इसको हम देख रहे हैं कि क्या ये जो निजी टॉर्चर सेल किया कहा जा रहा है ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है और इसकी क्या नोयत है, तो ये इंक्वायरी में पता चलेगा। प्लस जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा है उनको मैंने चेक किया गया है तो उनके ऊपर शायद कोई FIR है मीरपुर माथेलो पुलिस स्टेशन में
उसको भी मैं देख रहा हूँ कि वो क्या है, कि शायद कोई उसके ऊपर प्राइवेट कंप्लेनेंट है और बाइक लिफ्टिंग की FIR है, तो उसको भी हम देख रहे हैं। और ASP साहब की इंक्वायरी की वजह यही है कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को लिया जाए और उस रिकॉर्ड के मुताबिक हम एक बात कर सके कि आया जो FIR की गई थी वो इससे पहले की गई थी, क्योंकि वो FIR इससे पहले की है, इस इंसिडेंट से पहले की है। तो हम सारी चीज़ें देख के, वो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे टाइम दिया जाएगा तो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर सकूंगा कि इसकी क्या पोजीशन है। बट मैं अगेन अपने दो जो मेन इसमें बातें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि साफियों के ऊपर तशद्दुद या उनके साथ मार पिटाई या उनको अरेस्ट करना, इस एक्ट को मैं कंडेम करता हूँ, चाहे वो पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब पुलिस ऑफिशल्स ने की या कोई और इदारा करे या कोई महकमा करे। प्लस सेकंड चीज़ जो आती है, जो टॉर्चर सेल की आप बता रहे हैं कि जैसे हमें पता चला उसके ऊपर भी हमने इमीडिएट एक्शन लिया, बट नेचर देखी जाएगी। अच्छा एसएसपी साहब, ये जो एहलकार हैं जिनको एक निजी जगह पे रखा गया, टॉर्चर किया गया, आपने कहा कि आपके इलम में ये बात नहीं थी, आपको आपकी नॉलेज, ठीक है, आपकी नॉलेज में ये बात, हाँ मैं यही कह रही हूँ कि आपकी नॉलेज में ये बात नहीं थी, तो मतलब आपके अहकाम नहीं थे उन पुलिस एहलकारों को वहाँ पे निजी जगह पे उनको रखने के, उनके टॉर्चर करने के? नहीं जी, मैं आपको एक चीज कहूँ, SSP का काम होता है इसका मतलब ये हुआ कि उन पुलिस, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं अगर आप थोड़ा मुझे मौका दें। माशाल्लाह यू स्पीक सो वेल, बट अगर आप हमें मौका देंगी और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर सकूँ तो बेहतर है, क्योंकि आपने दूसरी तीसरी बार मुझे बीच क्वेश्चन में रोक देती हैं। मैं आपको थोड़ा ये बता दूँ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बुनियाद से, SSP का जो रोल होता है वो अपनी फोर्स को वो कमांड करते हैं, और ये जो निजी सेल किसके ऊपर FIR करनी है, किसको अरेस्ट करना है, ये सारे मामलात जो गवर्नमेंट की तरफ से एक हमारे पुलिस रूल्स में या पुलिस ऑर्डर के तहत जो चीज़ें चल रही होती हैं, उसमें जो फॉर्मेशन है जिसमें SSP डिस्ट्रिक्ट को कमांड करता है, देन उसके नीचे SP होता है, फिर नीचे SDP होता है, SDPO के नीचे थाना होता है, जैसे बेसिक यूनिट होती है, क्राइम फाइटिंग काम जो होता है वो थाने का होता है और थाने का जो हेड होता है वो जिम्मेदार होता है, ठीक है। हाँ, अभी जैसे इस वक्त मेरी नॉलेज में आया और उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज चल रही हो और उसके ऊपर मैं एक्शन ना लूं, तो फिर आप कह सकते हैं कि इसमें जिम्मेदारी आती है। तो मैं आपको दोबारा ये पॉइंट ऑफ व्यू अपना क्लियर कर रहा हूँ और आपकी चैनल के तवसत से, कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जिनकी नॉलेज में ये चीज थी, उनके पीछे एक्शन लिया जाएगा और एक्शन लाउड एंड क्लियर होगा, जो कि हम पब्लिक भी कर देंगे। बट आई जस्ट नीड सम टाइम। एंड आपने कहा कि दो एहलकार वहाँ पे उनको रखा गया था, वो एहलकार नहीं थे, वो शायद किसी क्राइम में वांटेड होंगे, वो भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब तक मेरे पास इंक्वायरी रिपोर्ट विद इन 3-4 आवर्स आ जाएगी तो मैं उस डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ भी बात कर सकूंगा कि आया वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, या उनको इलीगल रखा गया था। आई जस्ट नीड सम टाइम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया SSP साहब।